नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खास प्रस्तुति आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है। फंक्शन की शुरुआत एन इवनिंग इन ईवरलैंड थीम के साथ हुई है। अनंत और राधिका की शादी इस साल जुलाई में होने वाली है। प्री वेडिंग समारोह का वेन्यू करीब 3,000 एकड़ में फैला हुआ है। आज जामनगर एयरपोर्ट पर 50 से ज्यादा प्लेन्स की लैंडिंग हुई है। प्री वेडिंग सेरेमनी में शरीक होने के लिए इंटरनेशनल हस्तियों के साथ साथ फिल्मी जगत भी जामनगर में मेहमान बना है और जामनगर सितारों की नगरी सा नजर आ रहा है, क्योंकि बॉलीवुड के सितारे यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जामनगर की धरती पर फिल्मी सितारे उतर चुके हैं। चाहे बात सुनील शेट्टी की हो जो अपनी वाइफ के साथ पहुंचे, या फिर बात सैफ अली खान की हो जो पूरी फैमिली के साथ यहां पर फोटो सेशन का हिस्सा बने। वरुण धवन भी अपनी फैमिली के साथ यहां पर नजर आए। अनिल कपूर अपनी बेटी के साथ पहुंचे हैं इस फंक्शन में शामिल होने के लिए। तो रितेश देशमुख अपनी वाइफ जेनेलिया के साथ पहुंचे। सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी भी न्यूली वेड कपल है ये, तो ये भी नजर आए। श्रद्धा कपूर भी नजर आई, तो अनन्या पांडे भी अपने ग्लैमर के साथ यहाँ पर मुस्कान बिखेरती हुई नजर आई। रानी मुखर्जी भी पहले ही पहुँच चुकी हैं और बेहद शानदार उनका आउटफिट जो है वो नज़र आया। माधुरी दीक्षित नेने, श्रीराम नेने अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर इस प्री वेडिंग सेरेमनी में पहुँची हैं। इसके अलावा देखिए, खिलाड़ियों की अगर बात कर ली जाए तो सचिन तेंदुलकर, जहीर खान, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, बेन ब्रावो और साइना नेहवाल भी इस प्री वेडिंग सेरेमनी जो है इसमें शामिल हुए हैं। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, और भी बड़े बड़े नाम VVIP जो हैं वो इस प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं। जिसमें बात कर रहे हैं हम महेंद्र सिंह धोनी की, तो वे भी इस प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं। तो सितारों का, दिग्गजों का, बड़े बड़े चेयरों का जमावड़ा, VVIPs का जमावड़ा यहाँ पर लगा है। सदगुरु जग्गी वासुदेव भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। भूटान के राजा भी पहुंचे हुए हैं। अजय देवगन पहुंचे थे, देखिए अजय देवगन अपनी बेटी के साथ और पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने तस्वीरें भी खिंचाई, उनके बेटे के साथ भी उन्होंने फोटो खिंचाई। और उधर दूसरी तरफ जॉन भी पहुंचे थे और अपने स्टाइल में उन्होंने वेव किया, हेलो किया। जो यहां पर फोटोग्राफर्स हैं उन्होंने फोटोग्राफ भी खिंचवाए यहां पर। तो अभिनेता जो हैं वो उनके पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। लग्जरी कार से इन सभी को होटल्स तक पहुंचाया गया और शानदार वहां पर तैयारियां जो हैं वो अभूतपूर्व की गई हैं। और देखिए आमिर खान भी यहां पर नजर आए हैं, मुस्कान बिखेरते हुए, वेव करते हुए, अलग स्टाइल में आमिर खान यहां पर नजर आए। और साल का सबसे बड़ा प्री वेडिंग सेरेमनी ये आप कह लीजिए, क्योंकि शादी समारोह, शादी तो अभी उसमें तो वक्त है, लेकिन उसके पहले प्री वेडिंग सेरेमनी जो है उसमें आमिर खान, अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार के नाम से जिन्हें जाना जाता है, और जावेद जाफरी तो अपने डांस मूव्स के लिए भी जाने जाते हैं, और इसके अलावा एक्टिंग में तो खैर माहिर हैं ही, तो जावेद जाफरी भी पहुँचे हैं और अक्षय कुमार भी यहाँ पर अपने स्टाइल में नज़र आए। आमिर खान भी यहाँ पर नज़र आए, चूँकि सबसे बड़ी शादी और सबसे बड़ा चूँकि समारोह है तो इसमें सितारों का जमघट लगा हुआ है जामनगर में। जामनगर में सितारों का जमघट। और चूंकि जामनगर पूरी तरह से सज धज कर तैयार है और आज से ही यहां सेलिब्रेशन, जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन या समारोह जो है वो शुरू हो चुका है, सेरेमनी शुरू हो चुकी है। 3 दिनों की है ये, 1, 2 और 3 मार्च तक। तो जामनगर अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देखिए कई उद्योगपति भी आज जामनगर पहुंचे हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों में बात करें आनंद महिंद्रा की लक्ष्मी निवास मित्तल जो हैं वे भी बड़ा नाम है ये, और वे भी पहुंचे हुए हैं। तो ये बहुत बड़े उद्योगपति और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में जिनकी गिनती होती है उनमें लक्ष्मी निवास मित्तल और आनंद महिंद्रा का नाम है। राशिद खान भी जामनगर पहुंचे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरी सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं और खास मेहमान हैं तो और भी खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए बॉब डुडले बिजनेसमैन जो हैं वे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।
और इसके अलावा केपी सिंह, आप भी बिजनेसमैन हैं, ये भी पहुंचे हैं और बड़ी बड़ी मशहूर हस्तियां यहां पर पहुंची हैं। तो कुल मिलाकर और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़े ख़ास मेहमान पहुंच रहे हैं। कोई कतर से पहुंच रहा है, कोई यूएई से पहुंच रहा है, कोई दुबई से आया है, कोई अमेरिका से आया है। तो ये एक से एक मेहमान और बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो इस प्री वेडिंग सेरेमनी में पहुंच रहे हैं। चूंकि सबसे बड़ी शादी है, सबसे बड़ा समारोह है, अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी ये है और जामनगर में हो रही है और जामनगर वीवीआईपी मेहमानों से बिल्कुल भरा हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि जब इतने वीवीआईपी मेहमान आ रहे हों तो सुरक्षा के कितने तगड़े इंतजाम यहां पर किए गए होंगे। कतर के पीएम, देखिए कतर के पीएम आए, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेशन जो हो रहा है उसमें सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। कतर के पीएम, भूटान के राजा और इवांका ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं इवांका, और उनको भी खास तौर पर न्योता भेजा गया है, आमंत्रित किया गया। तो इवांका भी यहाँ पर नजर आई और फुल सिक्योरिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो भूटान के राजा भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका भी उसी आतिथ्य और उसी सत्कार से स्वागत यहाँ पर किया गया जैसे कि राजा जब पहुंचते हैं तो किस तरीके से उनका वेलकम किया जाना चाहिए, खास ख्याल रखा गया। कतर के पीएम भी यहां पर पहुंचे तो खास ख्याल यहां पर किया गया। इसके अलावा क्रिकेटर्स की बात करें तो जहीर खान, सूर्यकुमार यादव भी पहुंचे हुए हैं, क्रिकेट जगत की हस्तियां पहुंची हुई हैं, अध्यात्म जगत से पहुंचे हुए हैं, विश्व के बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, राजा पहुंचे हुए हैं, उद्योगपति पहुंचे हुए हैं, मार्क जुकरबर्ग भी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा रेहाना को आप देख रहे हैं, रेहाना जो है वो अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर पहुंच गए। बिल गेट्स तो पहुंचे हैं ही, इसके अलावा रेहाना अपनी पूरी टीम, अपने पूरे बैंड के साथ यहां पर पहुंची हैं और उनका स्टाइल भी यहां पर देखते ही बन रहा है। देखिए जरा रेहाना का। और डॉक्टर सुल्तान अल जावेर जो कि सीईओ और एमडी हैं वे भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो अलग अलग रंग यहां पर इस समारोह के नजर आ रहे हैं। अराइवल जो है जामनगर का एयरपोर्ट जो है वहां पर आप समझ सकते हैं कि कितना रश और कितना बड़ा मोमेंट यहाँ पर हो रहा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस साल की सबसे बड़ी शादी है और इसीलिए क्योंकि एक से बढ़कर एक मेहमान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ग्लोबल गेस्ट से जामनगर जो है वो चमक रहा है। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी अपनी मंगेतर राधिका मर्चेंट के साथ जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोनों का विवाह जुलाई में है। इससे पहले 3 दिनों का प्री वेडिंग कार्यक्रम जामनगर में शुरू हो चुका है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए देश ही नहीं दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरात के जामनगर पहुंच रही हैं। एयरपोर्ट पर गरबा और पारंपरिक लोक गीतों के साथ दुनिया भर से आए मेहमानों का जामनगर में स्वागत हो रहा है। यहाँ पहुँचने वालों में ग्लोबल मेहमानों की भी कमी नहीं है। जामनगर में विदेशी मेहमानों का भी मानो मेला लग गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पूर्व सलाहकार और डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप का जामनगर एयरपोर्ट पर भारतीय परंपरा और भारतीय लोक गीतों के साथ स्वागत हुआ। वहीं भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का भी भव्य स्वागत किया गया। भूटान नरेश और इवांका ट्रंप के अलावा दुनिया की कई बड़ी हस्तियां रामनगर पहुंची हैं। इनमें मेटा के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी शामिल हैं। दुनिया की कई बड़ी हस्तियां इस आयोजन में शिरकत कर रही हैं।
प्री वेडिंग सेरेमनी में शरीक होने के लिए इंटरनेशनल हस्तियों के साथ साथ फिल्म और क्रिकेट जगत के कई खिलाड़ी जामनगर पहुंच रहे हैं। जामनगर की धरती पर फिल्मी सितारे उतर रहे हैं। खेल जगत की बात की जाए तो महान क्रिकेटर रहे सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ इस समारोह में शामिल होने पहुंचे।